अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुंब्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुंब्रा के लिए हम कुछ अच्छा बनाए, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विथ लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द लाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone and we are looking forward to serving you at Medfort Multispeciality Hospital. जब मैंने 87 में जीर्णोद्धार किया, बड़ी रात थी इधर, मस्जिद भी सजी थी, यहाँ मंदिर भी सजा था। क्या बात, यहाँ नमाज पढ़ते, मंदिर के सामने नमाज पढ़ते, बिना हमको भी कोई तकलीफ नहीं है ना उनको भी तकलीफ है। हाँ, कोई कोई बाहर के आते, यहाँ कोई भी कितना भी आके बाहर का आदमी अगर कुछ कितना भी पटके, अबू आसिम भी आके बहुत पटक गए, ओवैसी वो भी आके पटक के गए, यहाँ कभी कोई वो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। वो तवा गर्म करने का, रोटी सेकने का, इनकी रोटी कब तक सेकी जाएगी? वो जब तक लोग समझेंगे नहीं। मैं हूं सोनू सूद, आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। मुंब्रा का इतिहास क्या है, जो ये दरगाह है, जो मदरसे हैं, आपके नॉलेज में जब आप बच्चे थे, छोटे थे, जब आपने होश संभाला तो क्या देखा था मुंब्रा शहर के अंदर? मुंब्रा शहर में तो सब पहले से ही सब भाईचारा ही है, एक में के दुख सुख दुख में सब लोग आते, हाल चाल पूछते, गले मिलते, सब करते। यहाँ कोई वैसा ये नहीं है, यहाँ आदिनाथ मुंब्रेश्वर महादेव, आदिशक्ति नव नारायणी मुंब्रा देवी, और पहाड़ पे बसे पांच, फखरुद्दीन शाह बाबा, फकीर शाह बाबा, मलंग बाबा, रईस बाबा और पहलवान शाह बाबा, ये पांच पीर यहाँ के जो रक्षक, मतलब गांव का एक, यहाँ कोई भी कितना भी आके बाहर का आदमी अगर कुछ कितना भी पटके, अबू आसिम भी आके बहुत पटक गए, ओवैसी वो भी आके पटक के गए, यहाँ कभी कोई वो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। इनके होने के बाद यहाँ दंगा हो नहीं सकता और कुछ नहीं। हाँ, बाकी जो है, जो वन विभाग में है, उनको उनको लेटर देवे, उनसे कार्रवाई करें। उन्होंने लेटर दिया था, कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन दूसरे दिन ही मुंब्रा आ गए, क्यों? ये राजकारण हमारे को नहीं मालूम। हम लोग सीधा साधा रहने वाले, हम लोग हमारे भगवान का, हम लोग जो भी करते हैं, आज 38 साल हो गए, हम लोग हनुमान जयंती, यहाँ का छोटा मंदिर था, फिर बड़ा हो गया, फिर पीछे आया। जब मैंने 87 में जीर्णोद्धार किया, बड़ी रात थी इधर, मस्जिद भी सजी थी, यहाँ मंदिर भी सजा था। क्या बात, यहाँ नमाज पढ़ते, मंदिर के सामने नमाज पढ़ते, बिना हमको भी कोई तकलीफ नहीं है ना उनको भी तकलीफ है। हाँ, कोई कोई बाहर के आते, जी जी, ए यहाँ नमाज नहीं पढ़ने का, चलो उधर, इबादत करने के लिए कोई किसी का ये नहीं है, इबादत उधर करो या इधर करो, एक ही जगह पे जाती है, उधर कोई भेदभाव नहीं है। ऊपर वाला जब भेजता है तो मुसलमान या हिंदू बना के नहीं भेजता। लेकिन आज की राजनीति इस तरह से, वो तवा गरम करने का, रोटी सेकने का, तो इनकी रोटी कब तक सेकी जाएगी? वो जब तक लोग समझेंगे नहीं। जहाँ गलत है वहाँ जावे, जहाँ हकीकत है, जहाँ सही है वहाँ रहे, जहाँ है वहाँ है। हाँ, तुम अनधिकृत है, अभी वन विभाग में है, म्युनिसिपैलिटी में है, जावे म्युनिसिपैलिटी में, उधर अर्जी देवे, वहाँ ये करे। मगर जो यहाँ की जो स्थानिक है, वली जो है, पांच पीर वली, वो तो गलत नहीं है,
वो क्या आज के नहीं है, हमारे बचपन आज मुझे 60 साल हुआ है, उसके पहले से ही हो, और सभी वली थे, वो यहाँ के रक्षक है, यहाँ सब आबादी अच्छे हंसते खेलते हम लोग, हमारी प्रार्थना है यहाँ कुछ नहीं। हाँ, जो ऊपर गलत हो गया ना, जिधर भी गलत हो गया, जो जो डिपार्टमेंट है उधर वो अपनी राजनीति वजन वापरे, वहाँ कार्रवाई कराए, मगर यहाँ की शांति को भंग ना कर, इतने हाथ जोड़ के भी। आप अपनी जिंदगी के अंदर अयोध्या गए हो कभी? अयोध्या लखनऊ गया हूँ, अयोध्या नहीं गया था, तभी वो जो माहौल अलग ही था, आज का माहौल उधर का अलग है, वहाँ के लोग एकदम हमारे मुमरा जैसे ही है, उधर भी भाईचारा है, उधर मुस्लिम हिंदू कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होएगा उनका। मैं बोला ना, यहाँ जब आदिशक्ति नवनारायणी मुमरेश्वरी महादेवी है, मुमरेश्वर काशीश्वर काशी विश्वेश्वर स्वरूप मुमरेश्वर महादेव है, और ये पांच फिर है, यहाँ कोई कुछ दंगा फसाद कुछ नहीं होने वाला, किससे डरो मत, ये मेरे को मुमरा के पब्लिक को सभी भाई लोग को कहना है, उसके लिए बिंदास रहो, कोई कितना आगे पटक जावे कुछ नहीं होने वाला।